आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुन, एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। ना कोई आप जैसा होगा, ना कोई आप जैसा था। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सफाई के मामले में हर फर्द को संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए फाइनेंस टी हरीश राव ने जिले मेदक के मंडल। मानसून की इब्तदाही से मुसलसल बारिश की वजह से किसान खुश है, खुसूसन नागार्जुना सागर डेल्टाई इलाकों के किसान पर उम्मीद है। और क्यों ना हो, अभी इब्तदाई दिनों में कृष्णा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से नागार्जुना सागर डैम में 500 फीट तक पानी का जखीरा हो चुका है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 590 फीट है। रोजाना सागर में 500 क्यूसिक पानी दाखिल हो रहा है और इसकी जुमला हैसियत 312 TMC की है और आज 167 TMC पानी डैम में जमा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि ऐसी बरसात जारी रही तो बहुत जल्द इसकी सतह याब मुकम्मल हो जाएगी और किसानों के लिए पानी की वाफर मकदार फराहम होगी। मिलाड़ियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में नाइस होटल एमआर बेकरी के पास कल रात देर गए एक हादसा। मीर रहमत नामी एक शख्स इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। पुलिस को इतला मिलते ही फौरी मकामी हादसे पर पहुंच कर रहमत को अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस्मानिया अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन इससे कबल आधे घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया गया, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं आई। मकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चलो भाई पहले तुरंत लेके चलो, पहले पकड़ो भैया, कुछ नहीं हुआ था, पकड़ो। करीमनगर के सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज एक कोरोना के मरीज ने एक सेल्फी वीडियो पैगाम जारी करते हुए दवाखाने में मरीजों की अदम निगहदाश्त के मुतालिक कहा। वार्ड में ना कोई नर्स है और ना कोई वार्ड बॉय। इसने ये भी बताया कि इस बात की शिकायत जब डॉक्टर से की गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपने अफराद खानदान को बुलवा कर मदद हासिल कर ले। इस वीडियो के आम होने से दवाखाने का अमला शदीद तनकीद का निशाना बना हुआ है। నా పేరు అల్లాడి రామ్ ప్రసాద్, మా గ్రామం రేణుకుంట, మండల్ తిమ్మాపూర్, డిస్టిక్ కరీంనగర్ అండి. మా ఫాదర్కు కరోనా పాజిటివ్గా ఈరోజు పాజిటివ్గా వచ్చిందని చెప్పి సంబంధిత అధికారులు ఫోన్ చేసి చెప్పారు. మా నాన్నగారి పేరు అల్లాడి వీరేశం, సన్ ఆఫ్ ఆగయ్య. నేను మేడం మా నాన్నగారికి శ్వాసగా ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి మరి అక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయని అడగగా మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం హోమ్ క్వారంటైన్లోనే ఉండాలి కనుక మీరు ఎవరూ రాకూడదు అని చెప్పారు. కానీ ఇలాంటి వారిపై మాకు నమ్మకం లేక మేము ఒకరము వచ్చాము. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మీరే ఉండాలి, చూసుకోవాలి, ఫుడ్ తినిపించాలి, మాకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవు సార్. అతనికి యూరిన్కు పైపు వేయడానికి కూడా సంబంధిత సిస్టర్లు కానీ ఎవరు కానీ మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. అసలు ఎవరికి ఫోన్ చేసినా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు. ప్లీజ్ దీన్ని మీరు ఎలాగైనా చేయగలరని మా యొక్క మనవి.
सरगरम समाजी जहदकार मोहम्मद उस्मान ने आज बाद नमाज जुमा अपने साथियों के साथ नामपल्ली पर सेक्रेटेरिएट के हाशमी मस्जिद और जामा मस्जिद के इन्हदाम के खिलाफ जमहूरी अंदाज में एहतजाज दर्ज किया है। तमाम एहतजाजी हाथ में सयाह झंडे लिए हुए थे और अपने चेहरों पर सयाह मास्क लगाए हुए थे। इस मौके पर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि अगर मुसलमान खामोश रहेंगे तो ये शातिर हुक्मरान एक के बाद दीगर हमारी मसाजिद को शहीद करते जाएंगे। इन्होंने सेक्रेटेरिएट में मंदिर के इन्हदाम पर भी अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। मोहम्मद उस्मान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसाजिद को उसी जगह पर तामीर को यकीनी बनाया जाए। आज हम लोग तेलंगाना में सियाह दिन मना रहे हैं। इस हुकूमत ने, टीआरएस हुकूमत ने 4 मस्जिदों को, 2 आशुरखानों को, 1 मंदिर को मिसमार कर दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। ये हुकूमत हमसे वादे कर रही है, हमारे उलमाए दीन को, हमारे लीडरान को एक तहखून देते हुए भी धोखा दी है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और जो सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया है, हम डिमांड करते हैं कि जो मसाजिद जहां पे थी वहीं पे बनना चाहिए। उससे पहले, ग्राउंड लेवल करने से पहले हमारे किसी भी लोग को मीडिया के साथ लेके जाके वो जगह फाइंड आउट करा देना चाहिए। मस्जिद तो पूरी शहीद नहीं हुई ना भाई, यानी आप कबूल कर लो कि मस्जिद को डायनामाइट लगा के मस्जिदों को शहीद कर दिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अभी नल्ला पोचम्मा मंदिर की भी हम मजम्मत करते हैं, उस मंदिर को भी शहीद कर दिया गया है। तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि अपने अपने घरों पे काला झंडा लगाइए, काला मास्क लगाइए, ताकि अपना एहतजाज दर्ज कर सके। और उस मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया है तो उस मस्जिद की कुरान मजीद कहाँ है, उस मस्जिद का मुसल्ला कहाँ है, उस मस्जिद का जो इमाम साहब खुतबा देते हैं वो आशा कहाँ है। अगर हम ऐसा खामोश बैठ जाएंगे तो ये लोग एक ट्रेंड बना लेंगे और ये फिरकावारी जहनियत रखने वाले मसाजिदों को शहीद करते जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये मेरे घर का कोई मसला नहीं है, ना कोई सियासी मसला है, ये अल्लाह के घर का मसला है। सियासत यहाँ खत्म हो जाती है, इसके बाद अल्लाह का सवाल जवाब शुरू होता है। तो तमाम लोगों से अपील करते हैं हम, आप लोग भी एहतजाज करिए। खामोशी में जमहूरी अंदाज है, हमारा जमहूरी हक है। जमहूरी अंदाज में अपने अपने घरों पे झंडा लगाइए, एक सेल्फी लेके फेसबुक सोशल मीडिया पे डाल दिए, ताकि आप ये बताइए कि आप नाराज है उस मस्जिदों को शहीद करने से। मेरा इतना ही मैसेज है, मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने घरों पे और एक हो जाइए। मसाजिदों को पहली बार 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा एहतजाज किया कि अच्छे अच्छों की फटके रह गई थी। आज हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को फिर से एक बार खराब कराया जा रहा है, और टीआरएस हुकूमत आज तक कोई वादा अपना पूरा नहीं करी, सिर्फ मुसलमानों के जज्बातों से खेला जा रहा है। आप लोगों से अपील करता हूं मैं, जमहूरी अंदाज में मस्जिद, मंदिर और हिस्टोरिकल जो चीजें तोड़े उसके लिए मजम्मत में खड़ी है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये झंडे लेके जाइए, अपने अपने घरों पे लगा सकते हैं आप लोग। उस्मानिया दवाखाने की खबर मीडिया में आम होने के साथ ही हिजब इख्तलाफ कायदीन और हुकूमत के वज़रा ने जैसे ही दवाखाने उस्मानिया में लाइन लगा दी है। आज भी तेलंगाना जेएसी सदर कुदंडाराम, तेलुगुदेशम रियासती सदर अखिल रमना और तेलंगाना सीपीआई सेक्रेटरी चाडा वेंकटेश्वर ने उस्मानिया अस्पताल का मुआयना किया है और अस्पताल में पानी दाखिल होने की वजूहात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि दवाखाने में वाक़ खुली आराजी पर एक नई इमारत बनाई जाए और मौजूदा इमारत को एक हेरिटेज इमारत के तौर पर इसकी निगहबानी की जाए और मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया दवाखाने में मरीज बहुत ही नामुनासिब हालात का शिकार है। 90 साल गुजर गए, फिर भी हॉस्पिटल में सर्विस चल रहा। तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद ये इसको गिराने की कोशिश सोचे। हम बोले गिराना नहीं, बाजू खाली प्लेस है उसमें कंस्ट्रक्शन करो और इसको अच्छा रिपेयर करो। ये पुराना जो कंस्ट्रक्शन है इसको ऐसे ही रहिए, ये हिस्ट्री में रहेगा। यही हम अपन कई मरतबा गवर्नमेंट को बोले। अभी देखे तो क्या है, ये अंदर पानी क्यों आया हॉस्पिटल को, पूरे गंदा पानी क्यों आना पड़ा आया, बोले तो वो जो रोड कंस्ट्रक्शन करा उन्होंने कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन ऑफिसर्स है, कैसा ऊपर वो रोड ऊपर है, हॉस्पिटल नीचे है। वो एकदम पानी पड़ने के गिरने के वजह से पूरे पानी और गंदा पानी, ड्रेनेज पानी पूरे हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल पूरे फिर गंदा से गंदा हो गया और जो पेशेंट्स है वो डरते हुए रात में कैसा गुजरना हुई वो नहीं सो, वो लोगों का
हालात कैसे बुरी था नहीं बोल सकते। हम गवर्नमेंट डिमांड करते हैं वो जल्दी से जो रोड कौन बनवाया उसके ऊपर इंक्वायरी करिए, वो आई एस ऑफिसर से इंक्वायरी करिए, वो एक्शन लीजिए। और ऐसे ही ये हॉस्पिटल को और जो खाली प्लेस है वो वेकेंट प्लेस है उसमें नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराइए या रिपेयर करके इसको ऐसा छेन के वैसा रखिए और एक कोना कंटिन्यू करिए। और ऐसे हेल्थी इमरजेंसी रखिए और जो पॉजिटिव आया उनको मदद करिए, जो गरीब लोग हैं अभी इसमें जो आरोग्यश्री में ये शामिल करिए। ये क्यों बोले तो आंध्र प्रदेश में करे वो सरकार, इधर तो लाखों रुपया हो गए। डॉक्टर सुल्तानिया का अपन देखे हॉस्पिटल में, तुम्बई हॉस्पिटल में क्या हुआ, एक 1,40,000 बिल डाले एक दिन के लिए, कौन भर सकता। गरीब लोग हैं बहुत से, ये पूरे ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, इसलिए डिमांड करते हैं आरोग्यश्री में शामिल करिए। और वैसे ही ये गरीब लोग हैं जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह ये रिपेयर्स करने वाले ये इलेक्ट्रिशियंस है वो है सब कुछ ऐसो रिपेयरर्स है और वैसे ही जो हमालिस है सब कुछ ऐसो आप जैसो एक फैमिली को 7,500 दीजिए और रेशन दीजिए, उनको मदद करिए। नवंबर तक ये कंटिन्यू चलेगा, ये अभी कोलैप्स होने बंद होने का नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कोरोना जैसो अभी जाने का वैसे नहीं है। मौलाना जाफर पाशा हुसामी इमाम खतीब मस्जिद दारुशिफा ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ आवाम कोरोना की वबा से परेशान हाल है बजाय इस तरफ ध्यान देने के मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उसी मकाम पर मसाजिद की तामीर करें। इन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि कांगी दवाखानों में लूट मच रही है और कोरोना की अदवियात की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है, हुकूमत पहले इन तमाम पर काबू करे, सिर्फ जबानी हमदर्दी से कुछ नहीं होगा। मुसलसल मौजूदा हालात पर आप हजरात की तरफ से तवज्जो दिलाने पर आज ये निश्चित रखा। सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे CM साहब की मजम्मत करता हूँ और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घरों को गिराने वालों से हमारी दोस्ती हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रहे। अगर जो अल्लाह के घर को गिराया, हम ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह उसको भी गिराएगा इंशाअल्लाह। और ये वक्त ऐसा है जहां दुनिया तमाम में एक अजीब व गरीब कैफियत है, लोग बीमारी से मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन में आपका ये काम करना मुझे हैरत की बात है। और ये CM साहब की खूबी है कि इन्होंने जिसकी तारीफ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोल बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप, जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्होंने सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। लिहाजा मैं इस वक्त हमारे CM साहब से हो या हुकूमत से हो ये मुतालबा करता हूँ कि वो दो मसाजिद जो शहीद किए गए हैं वो आप दोबारा पहले तामीर करें। आपका सेक्रेटेरिएट तामीर हो या ना हो हमको उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि उस्मानिया दवाखाने को आप बजाय इसके कि गिरा के दूसरी इमारत बनाने के, इसी को आप चाहे तो नए सिरे से तामीर कर सकते हैं और इस वक्त जो बीमार बेचारे वो दवाखाने में पड़े हैं उनके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। आज ज़रूरत है हर गली में, हर मुकाम पर, हर महल्ले में इस वबा की वजह से लोग परेशान हैं। इसमें कोई हमारे हुकूमत के तरफ से ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की कदीम सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी
कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत के इम्कानात हैं। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत का इम्कान है। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। सदर तहरीक मुस्लिम शाबान मुश्ताक मलिक ने कहा है कि कुल जमाती कायदीन की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के खिलाफ ऐलान करदा एहतजाजी प्रोग्राम कामयाब रहा। आज बाद नमाज जुमा सभी मसाजिद में दुआएं की गई और नमाज के बाद मुसलियान की जानिब से सयाह परचम लहराकर एहतजाज दर्ज किया गया है। मसाजिद को उसी मकाम पर बनाने की मुसलमानों के मुतालबे को हुकूमत को मानना ही होगा। शहर और अजला में ये समझिए कि कामयाब रहा आज का यूम सिया और दुआ, खुसूसी दुआ मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर के लिए। लेकिन जो इत्तलात आई हैं, कुछ रिलायबल सोर्स से जो इत्तलात आई हैं, मसाजिद के जिम्मेदार और मुसल्लियों और इमाम और सेक्रेटेरिएट में काम करने वालों के जो मुसलमान हैं उनके ज़रिए जो इत्तलात आई हैं, दोनों मसाजिद को मुकम्मल शहीद कर दिया गया है। और एक इत्तला रिलायबल सोर्स से ये भी हमको उसूल हुई है कि मसाजिद में से कुरान मजीद और जानी माजें आसा नहीं निकाला गया है, वैसे ही समझिए कि रखकर उसको डिमोलिश किया गया। ये इत्तला आई है, हम इसकी मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं। महकमे पुलिस की जानिब से दोनों शहरों में खैबागिरी पर काबू पाने के लाखों काविशों के बावजूद कहीं ना कहीं इस मगिर सामाजिक काम जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से आज परिणीति गेस्ट हाउस पर बावसूख जराय की तलाश पर धावा किया गया और यहां से खैबागिरी में शामिल दो लड़कियों और एक लड़के को धर दबोचा गया। इस अड्डे के असल सरगना का अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ है तहकीकात। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद पीसी संजना ने ट्रैफिक कवायद से मुतालिक एक तशहीरी पोस्टर का रस्म इजराई अमल में लाई है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रोज़ रोज सड़क हादसों में इजाफे के पेश नज़र आवाम में ट्रैफिक कवानीन व जवाबत के मुतालिक शऊर बेदार करना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। इस पोस्टर की तैयारी में मददगार साइबराबाद ट्रैफिक DCP SM विजय कुमार की सताइश की गई है। इस मौके पर दीगर आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। ఈరోజు సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మన ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ చేయడానికి పబ్లిక్లో ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి పోస్టర్స్ మరియు స్టిక్కర్స్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ స్టిక్కర్స్ని మన ఆటో రిక్షాస్లో బస్సెస్లో క్యాబ్స్లో ఆఫీసెస్లో బ్యాంక్స్లో పెట్టి ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి కృషి చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఒక పోస్టర్స్ మరియు ఫ్యాంప్లెట్స్ స్టిక్కర్స్ చేసిన మన డీసీపీ ట్రాఫిక్ విజయ్ గారికి, మన ఎడిసెల్ డీసీపీ ప్రవీణ్ కు, మన ఇన్స్పెక్టర్స్ వాసు శశికాంత్ కు, మన కానిస్టేబుల్ కాజా కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను। అందరూ కూడా తెలుసు మనము చాలా మంది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ పిలన్ రైడర్స్ ముఖ్యంగా హెల్మెట్ లేని పిలన్ రైడర్స్ ఎవరు ఉంటారు, మన లాస్ట్ ఇయర్ 114 మంది మన సైబరాబాద్ ఏరియాలో చనిపోవడం జరిగింది। సో ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, ముఖ్యంగా రైడ్ చేసేవాళ్ళు వెనక కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా మంచి క్వాలిటీ హెల్మెట్స్ వాడాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। ఏదో రోడ్ సైడ్ దొరికేది, తక్కువ రేట్లో దొరికేది నాసిరకం హెల్మెట్స్ని వాడొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా హెల్మెట్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా మంచిగా స్ట్రాప్స్ వేసుకోవాలి, ఉట్టిగా ఏదో పైన పైన వేసుకుంటే కాదు, మొత్తం స్ట్రాప్స్ ఇద్దరు స్ట్రాప్స్ వేసుకొని మంచి పెట్టుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను।
नाज़रीन सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।